नमस्कार दोस्तों मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं रूबरू में आज हमें मारवा स्टूडियोज़ में और यहाँ हमारे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड बॉक्सर गौरव बिदूरी जी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में थर्ड रैंक हासिल कर चुके हैं और उनके प्रमोटर एंड इंस्पायरर अमजद खान जी तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ये बॉक्सिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ

तो ही जस्ट डिड फॉर थ्री फोर इयर्स इन दैट थ्री फोर इयर्स ही अचीव नेम भैया जी एवरी जी मीन सो सो गुड इन जस्ट थ्री फोर इयर्स अर्ली एज मैरिज और फैमिली प्रेशर की वजह से लाइक like, हमारे गुजरों में जल्दी शादी वगैरह हो जाती हाँ, है पहले वैसे भी हो जाती थी जल्दी। पहले तो हाँ तो उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा अच्छा। बट उनका बॉक्सिंग के लिए प्यार उन्होंने एक क्लब खोला अपना हमारा ही अपना प्रॉपर्टी था एक बेसमेंट था अच्छा वहाँ पे जो भी हमारे आसपास के लोग थे सब वहाँ करने आते बॉक्सिंग लड़के जो थे hmm. उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना जब okay. मैं दस साल का था मैं बस वहाँ देखने जाता था लाइक बच्चे खेलने चले जाते हाँ, मैं ऐसे हाँ, ही चला जाता right. था तो वहाँ पर धीरे धीरे उनके साथ खेलते खेलते मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखने लगा पापा भी मेरे को सिखाने लगे फिर एक कंपटीशन था ऐसी स्टेट चैंपियनशिप था जूनियर्स का okay. व उस टाइम मैं लाइक आई वाज नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द एज बिकॉज ऑफ द एज बट आई वेंट दे आई वॉज क्राइंग लाइक मेरे को भी खिलाओ hmm. मेरे को खिलाओ बच्चा का जिद कर रहा था देन दे द पीपल वे उन्होंने कहा ठीक है इसका शो फाइट करा देते हैं तो मेरा ऐसे एक बड़े से लड़के शो फाइट करा दिया शो फाइट इन देंस लाइक इट वॉज नॉट अमंग द कॉम्पिटिशन मीन्स आई विल नॉट एक नॉन कॉम्पिटेटिव एंट्री हो गई या इट जस्ट लाइक ठीक ठीक है 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 मतलब अपनी satisfaction satisfaction के लिए, के लिए? तो मेरा एक एक लड़के से फाइट करा दिया ना आई डिड गुड तो तब से लाइक पापा को भी एवरीवन अप्रिशिएटेड कि हाँ

Exactly. I I need to get medals the Olympics and you are doing you are justifying it very well yeah and like right it. now I got the medal the world championship is a big big achievement we are proud of you yeah thank you so much तो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपको ये world champion का खिताब मिला तो उस वक्त क्या feelings थी आपकी और मुझे ये भी बताइए कि competition कैसा था क्या मतलब hurdles आई होंगी obviously इतना आसान तो है नहीं इस level पे पहुँचना करोड़ों लोग आते हैं और क्या था वो क्या फीलिंग थी क्या इवेंट था कहाँ हुआ था कैसा था शेयर करिए कुछ एक्सपीरियंस हाँ था? मेरी जर्नी थोड़ी बहुत थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही अप, अप्स एंड डाउन थे मेरा लाइक सब जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेरे साथ क्या था मैं हमेशा क्वार्टर फाइनल तक पहुँच के मिस क्वार्टर फाइनल स्टॉप एट उस फाइट को जीत के मेरा मेडल कन्फर्म हो जाएगा ओके okay. तो इन एवरी क्वार्टर फाइनल आई लूज माई फाइट एंड दैट टू विद अ गुड बॉक्सर वो जिसका गोल्ड आता है उसी से क्वार्टर फाइनल में हार जाता हूँ okay. तो, तो दैट क्वार्टर फाइनल बैरियर वॉज स्टार्टेड मीन्स सिंस आई स्टार्टेड माई इंटरनेशनल कैरियर लाइक माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन वॉज इन रशिया मीन्स वेन आई वॉज फिफ्टीन 16 फिफ्टीन देर आई लॉस्ट इन क्वार्टर फाइनल्स मेरा मेडल नहीं आ पाया अगर उस फाइट को जीता तो मेरा मेडल कन्फर्म था देन सेकेंड आई प्लेड जूनियर इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप देर ऑल्सो आई लॉस्ट इन क्वार्टर फाइनल्स तो तब से मेरा क्वार्टर फाइनल वाला जो बैरियर था बहुत चल रहा था एंड पीपल यूज़ टू क्रिटिसाइज़ मी एंड माई फादर तब मैं बैकआउट करने का नहीं सोचा हाँ मींस एवरीवन वन अब देन माय कैरियर इन सीनियर इंटरनेशनल लेवल स्टार्टेड इन 2011. 2011. या तो तब से लाइक आई प्लेड एशियन चैम्पियनशिप लूजिंग इन क्वार्टर फाइनल्स एशियन गेम्स लूजिंग इन क्वार्टर फाइनल्स ओलंपिक क्वालिफाई लूजिंग इन क्वार्टर फाइनल्स सो सब लोग बोलते थे इसका मेडल तो आना नहीं है पापा को भी बहुत सुनना पड़ता था लोगों का कि इसका तो मेडल आने लिए इसको भेजते क्यों इंटरनेशनल इवेंट्स में जब इसका मेडल आने नहीं है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तरह तरह की बातें करते हैं हाँ बहुत बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे बट माई फादर वाज ही वाज हैविंग फेथ इन मी देर वेरी दे वर वेरी फ्यू जिनको हु हैड believed in me? नहीं यार ऐसा होता है actually I've seen this thing yeah. that करने में people are very confused. Yeah. But when just... it comes to somebody, तो सौ लोग उठ के आ किसी का मन करता है कभी भी Ah. कभी भी उनका मौका चाहिए छोटा मोटा मौका चाहिए बोलने back. के लिए या या माय फादर सेड लाइक यू विल यू हैव बिकॉज समवेयर इन बिटवीन आई आई वाज बीटिंग गुड गुड बॉक्सर्स आर ओलंपिक मेडलिस्ट राइट नाउ आई वाज बीटिंग देम बट इट लक और व्हाट आई डोंट नो बट

Over there also I lost in quarterfinals. Oh. Yeah and again no quarterfinal medal. Quarter final. Yeah, so, <laughs> <laughs> yeah. So again over here, my um, quarter final pocha. <laughs> again the thing is going in my mind. Like if you like, quarter quarterfinal again. <laughs> like, yeah, so what will happen? Yeah. Yeah. And I called my father, he just motivated <laughs> me, talking to my coach.

thinking like I have हाँ. something because hmm. like in the world series of boxing I'm the only Indian who uh, who played for Italian team and USA team It means two team two foreign franchises hmm. and I'm the only one who won playing for an, another team. तो ये वाला जो event था जिसका मैं आपका भारी भरकम medal देख रही हूँ ठीक। World Championship का भारी होना चाहिए। आपकी मेहनत दिखा रही है कितनी मेहनत करी होगी इसको जीतने में। It's very heavy yeah. and beautiful in fact. तो ये वाला इवेंट कहाँ पे हुआ था आपका और किस तरीके का था हाउ एंड इट अबाउट ये ये जर्मनी में हुआ था में ओके या एंड द टू बिकॉज पहले पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्या होता था कि आप मींस हमारा डायरेक्ट एंट्री जाती थी हम yeah. इंडिया में नंबर वन हुए और हम डायरेक्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहे हैं बट दिस टाइम फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट लाइक एशिया यूरोप अमेरिकन एंड ओशियाना सब कॉन्टिनेंट से टॉप सिक्स सेवन बॉक्सर्स को क्वालिफाई हुए फर्स्ट क्वालिफिकेशन हुआ लाइक ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन होता है दोस्त क्वालिफाइड बॉक्सर दे वेंट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप सो हर एक बॉक्सर ओवर देर वॉज मीन प्रेशर होगा आपके हाँ सब लोग बहुत अच्छे माई डेब्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड अगेन आई नीड टू गेट अ मेडल टू फर्स्ट फाइट आई फॉट विद ऑस्ट्रेलियन गाएज ओशियाना कॉन्टिनें चैंपियन गुड बॉक्सर आई बीट हिम सेकेंड आई फॉट विद यूक्रेन गाए दट गाय वॉज वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट या इट वॉज अ टफ फाइट आई बीट हिम अगेन देन अगेन द क्वार्टर फाइनल इट वॉज अगेनिशिया गए ऑल्सो एन ओलम्पियन एंड ही बीट good, good boxers in the previous fights. after beating him, i reached the uh, semi-finals so hmm. medal was confirmed like i got bronze. but like abitak, only bronze medal were there. Abhi, uh, i'm the fourth indian who got that. okay, first, first was vijendra, vijubhai vijendra, yeah, and second vikas krishan, okay, third was shivathapa, okay, and the fourth, and one fourth one is else. me, yeah, but Sabka bronze, so i was thinking of creating a history okay. by reaching to the finals and getting silver or gold. Hmm. but I was fighting again USA guy. I planned everything, I means discussing with my coach, with mm. my dad. Strategies. Yeah, yeah. The way he played in the previous fight, how to tackle that. But in the fight, I, because one more thing, like I played for USA team, mm. and there was a coach also. Mm. He was from USA. Okay. Yeah, and means they studied very really well. They studied my my fight, and I was studying him. Mm. Yeah, but thing was in the ring he totally changed his game like the he played in the previous fights Achcha. yeah i i did my strategy according to that according to the previous yeah. game and he changed it and he like so you were not prepared for that new strategy yeah but i somehow i managed in the in the fight ah. yeah but it was a close fight hmm. it was not one sided it was a close fight and somewhere he was better than me and he he won i won't say like i was winning of course the better one should win But so definitely want... there is uh, scope for growth and I'm yeah. sure that आपकी next fight में आप इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। Yeah yeah, thank you so much. So obviously, अच्छा मुझे भी बताइए कि जैसे एक boxing के लिए you need to you know plan some things and you need to make some changes in your life. Yeah. I'm sure that एक boxer की life एक ordinary बंदी की life से different होगी। खाना पीना then how you carry your day. तो थोड़ा समय को बताइए कि आपको कैसा routine रहता है? Yeah like हम हम जो boxers हैं uh, like Indian boxing

तो वही जो हमको वहाँ पे मिलता है हम वही खाते हैं hmm. और एंड देन ट्रेनिंग एवरी थिंग इज़ प्रिपेयर लाइक वी हैव मॉर्निंग वी हैव टू गेट एट फाइव थर्टी देन ओ क्लॉक इज आवर सिक्स फिफ्टीन इज आवर ट्रेनिंग या या एग्जैक्टली एंड देन फॉर टू थर्टी टू टू एंड हाफ आवर ट्रेनिंग देन ब्रेकफास्ट देन जस्ट वॉचिंग विद टी वी न्यूज एंड ऑल

Like 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 for my sister marriage also, uh, I just came one day before. Oh. So so attend haan, attend and thing is we like, um, we have to control our weight category, like we play in weight फोर माई सिस्टर मैरिजो जस्ट केन डे बिफोर माई वेट एंड आई there in the party. कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ खाना पड़ता है तो वही फैमिली फैमिली फंक्शंस वगैरह फैमिली के जो मीटिंग मीटिंग ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स स्कूल वो सब

बट यार क्रिकेट का चाम तो रहेगा ही अभी हां दैट विल बी देयर आई एम नॉट अपोजिंग दैट बट यू शुड सी वी आल्सो प्लेइंग मींस लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ करंटली प्लेइंग इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड मींस इट्स अ बिग इट्स अ या इट्स अ इट्स अ बिग सो अच्छा तो अभी आगे आपके अपकमिंग कौन से कुछ फाइट्स लाइंड अप है आगे इवेंट्स लाइंड अप है तो थोड़ा सा शेयर करिए अपने फ्यूचर के बारे में या नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर वी हैव कॉमनवेल्थ नेशन गेम्स ओके दो ज़्यादा मेज़र कंपटीशन तैयारी तो पहले से स्टार्ट हो जाती होगी हाँ तैयारी या तैयारी तो आई जस्ट केम फ्रॉम दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट वीक ओनली सो जस्ट

I'll be coming week again I have to, I have to st start my training again. Okay, so for the next thing. Yeah. So there's so no things, scope for <laughs> No, no, no. It just training goes on, goes on, and hmm. competition training, competition training. That's just good. few days break. Yeah. Acha, अच्छा, I I want since you are on this level and you are working so hard and you are actually into the sport which you are doing. Yeah. पूरी श्रद्धा से आप कर रहे हैं ठीक है तो मैं अब चाहती हूँ कि खुद तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं mm -hmm. ग्रो भी कर रहे हैं अब थोड़ा सा inspire भी कर दीजिए लोगों को शायद कोई और भी अपकमिंग बॉक्सर आ जाए. Yes. Yeah, तो एक मैसेज छोटा सा कि किस तरीके से उनको अपने अगर उनमें skill है या चाहते हैं इस्पायर करते हैं बॉक्सर बनने के लिए तो किस तरीके से ग्रो करें या क्या टिप्स फॉलो करें yes, yeah, कुछ see, भी 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 पहले पहले क्या था लाइक like, सबके मम्मी मॉम डैड बोलते थे लाइक like, स्टडी करो ये बनो ये बनो पढ़ाई पढ़ाई मीन्स पीपल वर थिंकिंग ओनली पढ़ाई में स्कोप है बट नाउ डेज इन स्पोर्ट्स इट्स लाइक यू हैव मीन्स यू कैन मेक इट अ कैरियर यू नो यू कैन मेक इट अ कैरियर सो इफ इफ यू हैव सम कैपेबिलिटी इन स्पोर्ट्स means our parents means our parents and all they should if a person is good in sports they should boost him exactly yeah they should uh, think like it can be his career yeah. it means he can make his career in that also so now sports is equally like you can choose choose it, choose it as your career so it will be good like if uh, people will encourage encourage, you. encourage yeah, in all that like you should do sports otherwise yeah. before in my days also like my mom she used to say like why are you doing boxing you should haan, do a study yeah, yeah. <laughs> exactly. you should right exactly q means doing main all main that yeah it happens means in india it, it is there Bhoi like ha because in sports mein, like no one

बाकी कुछ टिप्स ऐसी भी दीजिए कि अगर मतलब ठीक है चले गए बट अब अपने आप को कैरी कैसे करें क्या मतलब प्रैक्टिस क्या होते हैं क्या खाना होता है कुछ थोड़ा छोटा 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 यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन सो मैनी थिंग्स लाइक यू हैव टू फॉलो प्रॉपर डाइट प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल एवरी डे इट्स नॉट लाइक मिसिंग वन डे Can cost us, you know, if you miss one or two days, it can cost us like it can take us two, three weeks back as we were. So we can't miss our training. So we have to be punctual. Or means whatever time time schedule we have, we have to follow that. So it's a bit tough, but you have to follow everything, you know. I yeah. guess there's a big no to uh, alcohol and smoking also in this. Yeah, point, yeah, right? it is, means होती है No, I actually uh, for for this dope test and all we have this alcohol and all, they are not there. Hmm. They don't means they are not under like dope, we should not have that. as you can have that. Yeah, uh, we means we ones? can have that but we should not have that. Okay. So yeah. drugs basically. I, yeah, it doesn't come under like drugs. No, both of okay. Yeah, otherwise taste kill criteria. Yeah, means we have we should not take any steroid, okay, steroid yeah, or which or enhance our performance or something th like that. Th yeah. Th yeah. So otherwise, this alcohol it doesn't come under this drugs. But still, if you yeah. don't take it, you will be better, obviously. <laughs> yeah, of course, it's for everyone. We should not take all that. तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अमजद खान जी जो आपके दोस्त भी हैं और अभी आपको काफी जोरों शोर से प्रमोट भी कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि ये जो आपका कनेक्शन है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाँ, वो भी बहुत अच्छा बॉक्सर था, but वो ये है अब आपको मीन्स मीन्स इट्स गॉड हू शोज यू द वे ओके तो बॉक्सिंग में भी अच्छा था वी मेट इन द नेशनल कैम्प इन द यूथ नेशनल कैम्प साथ में ट्रेनिंग करते थे बट मे बी दैट इज नॉट हीज फील्ड या सो ही लेफ्ट बॉक्सिंग एंड नाउ एट दीन्स ही इज सो यंग एंड लाइक ही इज डूइंग ऑल दिस प्रोमोशन एन ऑल हीज इज ओन फाउंडेशन ऑल्सो हमजद खान बॉक्सिंग early age he is doing all that and encouraging so many people so many people right? yeah He's is in contact with everyone and mm -hmm. like uh, at this age people just means they just uh, means they can't decide what to means in what uh, field they should choose their career it's okay right. Yeah, they are yeah, studying and yeah. they are yeah but at this age he had uh, achieved a lot mm. Ek so purpose he yeah, yeah, yeah. Right. so itni jaldi kuch very inspiring exactly yeah so it's good like and, and I wish he will go

वेलकम अमजद जी टू मारवा स्टूडियोज तो अभी जैसे कि हम जानते हैं कि गौरव बेदूरी जी जो आपके दोस्त भी हैं और जिनको आप अच्छे से आजकल यू नो इनकेज कर रहे हैं और जो हमारे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे थर्ड रैंक पे हैं ठीक है विच इज़ अ प्राउड मोमेंट उनके बारे में थोड़ा सा बताइए शेयर कीजिए uh, गौरव को मैं काफ़ी बचपन से जानता हूँ और बहुत अच्छा बॉक्सर रहा है और इसका टाइम कभी कभी सही नहीं लग पाया नहीं तो मुझे मालूम है कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप वाला मेडल बहुत पहले ले, ले लेता और ओलंपिक क्वालिफाई हो जाता बोलते ना कभी कभी टाइम सही नहीं पड़ता है और सबसे बड़ी बात ये है खुशी है कि गौरव का जो हाथ है इंजुरी है फिर भी वो फाइट खेलता है और इसके इंजुरी भी है और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लेके आता लेकिन इसका इंजरी था इसके वजह से ये फाइट को इंजरी किस टाइप की uh, इसके हैंड में चोट लगा हुआ है शोल्डर में ओके। oh, okay. जी इसके वजह से फिर भी फाइट बहुत अच्छा खेला और फाइट इक्वल दिया hmm. वर्ल्ड चैंपियनशिप में और मुझे तो पता ही नहीं था समथिंग डिफरेंट समथिंग न्यू दैट डिस्पाइट ऑफ हिज इंजरी ही इज डूइंग सो वेल जी जी और मुझे मालूम है कि uh, जो नेक्स्ट uh, होगा uh, hmm. और ओलंपिक में भी मेडल लेके आएगा एंड sure. अभी नेक्स्ट कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में है आ, मुझे भरोसा बहुत है अभी और... भी है बहुत बहुत सारा भरोसा बहुत सारी उम्मीदें और विल पावर होती है वो वंडर्स कर ही देते yeah. हैं और वो मैं कभी उसको एडवाइस देता हूँ जो चीज़ समझ में नहीं आता hmm. यार, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि hmm. मैं जो कुछ भी है उसे पूछता हूँ यार गौरव ये hmm. कैसे होगा तो वो मुझे बहुत अच्छा एडवाइस करता है और कोई बाहर का मसला हो कुछ भी यार हमसे दिए कैसे होगा तो मैं उसको अच्छा एडवाइस करता हूँ ना दैट्स वेरी गुड इट्स इट्स ऑलवेज लाइक दैट लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस तो हम किसी को कुछ सिखाते हैं कोई हमसे कुछ सीखता है ऐसी जिंदगी चल रही है जी जी

हैज़ अ लॉर्ड ऑफ स्कोप इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्टडीज बट अगर आप में वो स्किल है स्पोर्ट्स का स्किल है कोई भी फील्ड में या इट्स वेदर इट्स क्रिकेट बॉक्सिंग टेनिस एनी थिंग इफ यू हैव दैट स्किल गो फॉर इट ठीक है क्रिटिसिज्म मिलेगा बहुत लोग होंगे जो पुल बैक करने की ट्राई करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ देंगे बट इफ यू फील दैट यू आर मेंट फॉर इट यू शुड गो फॉर इट तो आज के लिए रूबरू में बस इतना ही मैं श्रेयाकत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त बट बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड और एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ तब तक के लिए देखते रहिए एम एस टी वी हर पल आपके साथ